जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, वाल्मीकि रामायण की इस यात्रा में मैं शैलेंद्र भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए रामायण को दुनिया का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसमें घटी हुई अलग अलग घटनाएं भी हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, परंतु संस्कृत भाषा में लिखे गए संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को सुनने या पढ़ने से हम थोड़ा सा कतराते हैं और वैसे हमें समय भी कहां मिलता है। इसीलिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त कथन, जिसमें संस्कृत श्लोकों के साथ किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ में आए ऐसी सरलता से हिंदी भाषा में अनुवाद करने का हमने प्रयास किया है। रामायण। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अलग अलग पात्र हमें दिखाई देते हैं, उनके स्वभाव और गुण दोषों से हमें सीखने मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वाल्मीकि रामायण की ये यात्रा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। तपः स्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़वृतः। हर पल तप और स्वाध्याय में रहने वाले वक्ताओं में चतुर तथा मुनियों में श्रेष्ठ ऐसे नारद जी से महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा, हे भगवान, ये बताइए कि इस संसार में इस वक्त गुणवान, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। जो सदाचार से युक्त हो, सारे प्राणियों का हित करने वाला हो, विद्वान हो, सामर्थ्यवान हो और प्रियदर्शी भी हो, ऐसा कौन है? धैर्य से भरा हुआ हो, काम क्रोधादि शत्रुओं का विजेता, कांति से युक्त हो, ईर्ष्या और निंदा न करने वाला और युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत कर दे, ऐसा कौन है? एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षित्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरं श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। हे महर्षि, ऐसे गुणों से भरे हुए व्यक्ति के बारे में मुझे जानने की उत्कट अभिलाषा है। आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। जब वाल्मीकि जी की ये बात सुनी तो तीनों लोकों का वृत्तांत जानने वाले देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए और वो बोले, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनहि श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृते मानवशे। हे मुने, आपने जिन बहुत से और दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त मनुष्य के बारे में सुनिए। मैं सोच और विचार के बाद कहता हूं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र मन को वश में रखने वाले अर्थात नियत स्वभावी अति बलवान तेजस्वी धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं।
बुद्धिमानीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हणः विपुलांसो महाबाहो कंबुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुरनिन्दमः आजानुबाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। विराम जो कि बुद्धिमान नीतिज्ञ मधुरभाषी श्रीमान शत्रुनाशक विशाल कंधों वाले गोल और मोटी भुजाओं वाले शंख की तरह गर्दन वाले बड़ी ठोड़ी वाले और बहुत भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। वे शत्रु का नाश करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर सुंदर और सुडौल है और मस्तक चौड़ा है। वे अच्छे विक्रमशाली हैं। समहसं विभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। उनके अंग सम हैं, अर्थात उनके अंगों का विन्यास सम है। वे ना तो बहुत ही छोटे और ना ही बहुत ही बड़े। उनके शरीर का रंग चिकना और सुंदर है। बड़े प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल हैं। उनके सारे अंग प्रत्यंग अति सुंदर हैं और वे सारे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, परोपकारी हैं, कीर्ति से भरे हुए हैं, ज्ञान निष्ठ हैं, पवित्र हैं, जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले हैं। प्रजापति समह श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। जिस तरह ब्रह्मा प्रजा के रक्षक हैं, इसी तरह श्री राम भी प्रजा के रक्षक अति शोभावान और सबके पोषक हैं। वे शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। प्राणियों के रक्षक धर्म के प्रवर्तक वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक स्वजनों के पालक वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ और धनुर्वेद में अत्यंत निपुण हैं। अर्थात शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही वे प्रवीण हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रियः साधुर् दीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। वे सारे शास्त्रों के तत्वों को बहुत ही अच्छी तरह जानने वाले और उत्तम स्मरण शक्ति से भरे हुए प्रतिभाशाली यानी सूझबूझ वाले सर्वप्रिय सज्जन कभी भी दीनता न दिखाने वाले और लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। जिस तरह सारी नदियां समुद्र में जाकर के पहुंचती हैं, उसी तरह उनके पास सदा सज्जनों का समागम लगा ही रहता है। वे आर्य हैं, वे समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन हैं। सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदेन समस्त्यागे सत्य
नित्ये धर्म इवापरः। वे सारे गुणों से भरे हुए और कौसल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीरता में सागर की तरह, धैर्य में हिमालय की तरह, पराक्रम में विष्णु की तरह, प्रिय दर्शन में चंद्रमा के जैसे और क्षमा में धरती की तरह और क्रोध में कालाग्नि की तरह हैं। वे दान में कुबेर के समान और सत्य भाषण में मानो वे स्वयं ही दूसरे धर्म हैं। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम् यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छयैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहाय सम। देवर्षि नारद के मुंह से इस बात को सुनकर के महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज के साथ नारद जी का खूब सत्कार किया। देवर्षि नारद वाल्मीकि जी के द्वारा विधिवत जब सत्कारित हो गए तो उनकी आज्ञा पाकर के आकाश मार्ग से चले गए। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जानभ्यास्त्व विदूरतः तस्याभ्याशे तु मिथुनं चरन्त मनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौंचयोश्चारुनिः स्वनम्। नारद जी के देव आश्रम चले जाने के बाद वाल्मीकि जी स्नान के लिए गंगा के समीप तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे। नदी के पास ही उस जंगल में महर्षि वाल्मीकि ने मीठी बोली बोलने वाले और हर दम साथ रहने वाले एवं विहार करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। तस्मत्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः तं शोणित परीतांगं चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रूराव करुणां गिरं। इतने में ही पक्षियों के शत्रु एक शिकारी ने मुनि के सामने ही उस जोड़े में से नर क्रौंच पक्षी को मार दिया। जब क्रौंची ने देखा कि शिकारी ने उसके पति को मार दिया है और उसके पति का शरीर खून से लथपथ और धरती पर छटपटा रहा है तो वो उसे देख करके करुण स्वर में विलाप करने लगी। तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषैर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम समपद्यत ततः करुण वेदित्वाद धर्मोयमिति द्विजः निशाम्य रुदतिं क्रौंचिं इदं वचनम अब्रवीत। शिकारी के द्वारा मारे गए उस पक्षी को जब धर्मात्मा महर्षि ने देखा तो उनका हृदय भी द्रवित हो गया। उस करुणा की अनुभूति के कारण शिकारी के उस कर्म को अधर्म जाना और विलाप करती हुई क्रौंची को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द प्रस्फुटित हुए। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतिः समः यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधिः कामं मोहितं तस्यत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। हे व्याध, तूने इस कामोन्मत्त नर पक्षी को मारा है, इसलिए तुझे बहुत काल तक सुख और शांति प्राप्त न हो। मानिषाद इत्यादि कहकर और हृदय में इसका अर्थ विचारने पर वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी के दुख से दुखित होकर मैंने ये क्या कह डाला। चिंतयंस महाप्राज्ञश चकार मतिमान मतिम शिष्यम चैवा ब्रविद वाक्यम इदं स मुनि पुंगवः।
पादबद्धो क्षर समस्तन्त्रीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। महाबुद्धिशाली और शास्त्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने सोच विचार करके अपने शिष्य से बोला, भरद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से जो अनायास ये श्लोक निकला है, इसमें चार पाद हैं और प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं और वीणा पर भी गाने के योग्य हैं। ये रचना कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन् मुनिः। सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन्यथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनिः। शिष्य ने गुरु के आदेश के अनुसार अत्युत्तम वचन को कंठस्थ कर लिया और इससे मुनि उस शिष्य पर बहुत खुश हुए। उसके बाद मुनिवर ने उस तीर्थ में यथाविधि स्नान किया और उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में वापस आ गए। सप्रविश्याश्रम पदम शिष्येण सह धर्मवित उपविष्टः कथाश्चान्याश चकार ध्यान मास्थितः। आज गाम ततो ब्रह्मा चोवाच मुनिपुंगवम् वृत्तं कथय रामस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्। आश्रम में पहुंचे, दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर के ऋषिवर अपने शिष्यों को बहुत तरह की कथाएं सुनाने लगे। जब वे ऐसा कर रहे थे तभी वहां ब्रह्मा जी वहां आए और वाल्मीकि जी से बोले, तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन क्यों नहीं करते, जैसा कि तुमने नारद से सुना है। यावत् स्थास्यन्ते गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यते। तस्य बुद्धिर्रियं जाता महर्षिर्भावितात्मनः कृष्णं रामायणं काव्यं दृशेः करवाण्यः। जब तक इस धराधाम पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार और प्रसार भी रहेगा। शुद्ध अंतःकरण वाले वाल्मीकि जी की समझ में ये बात आ गई कि ऐसे ही श्लोकों से मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थ सहितं हितं व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभार्येण स राष्ट्रेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्सं प्रपश्यति। नारद जी से श्री राम का चरित्र जो सुना था वाल्मीकि जी ने धर्म और अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करके उसे लिखना आरंभ कर दिया। श्री राम लक्ष्मण सीता और पत्नियों तथा राष्ट्र सहित दशरथ जी का जो कुछ हंसना बोलना इत्यादि वृत्तांत और चरित्र थे उन सबको महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने धर्म और बल से यथावत जान लिया। स्त्री तृतीये न च तथा यत् प्राप्तं चरितावने सत्य संधेन रामेण तत्सर्वं चान्ववैक्षत ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निवृत्तं पाणावा मलकं यथा।
सत्यवादी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में घूमते हुए जो कुछ किया था, उस समय उसका भी मुनि वाल्मीकि जी ने साक्षात्कार कर लिया। उसके बाद धर्मात्मा मुनि ने एकाग्र चित्त होकर उन सारे चरितों को जो पहले हो चुके थे हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह देखा। तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः प्राप्तिराजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृत्स्नं विचित्र पदमर्थवत्। जब सारे वृत्तांतों को सम्यक प्रकार से जान लिया तो महामुनि वाल्मीकि जी सर्वप्रिय श्री राम के चरित को श्लोक बद्ध करने के लिए तैयार हो गए। श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से भरे हुए संपूर्ण काव्य की रचना की। कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जन पदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान अयोध्या नाम नगरी तत्रासिल्लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। सरयू नदी के किनारे पर कोसल नाम का एक बहुत बड़ा देश था जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि से संपन्न तथा धन धान्य से भरपूर था। वहां विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी जिसे मनुष्य में श्रेष्ठ महाराज मनु ने खुद बसाया था। आयता दश च द्वे च योजनानी महापुरी श्रीमती त्रीणी विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। वो शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन अर्थात 60 मील लंबी और 3 योजन अर्थात 15 मील चौड़ी थी। उसमें बड़ी सुंदर सुंदर लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। वो राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। इस राजपथ से अनेक सड़कें निकाली थी। सड़कों के ऊपर रोज जल छिड़का जाता था और उसे फूलों से सजाया जाता था। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन पूरी मा वासयामास दिवी देव पतिर्यथा कपाट तोरणवती सुविभक्तांतरापणां सर्वयंत्रायुधवतीं उषितां सर्वशिल्पिभिः। इस पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी तरह निवास करते जिस तरह स्वर्ग में इंद्र बसते हैं। ये नगरी तोरण द्वारों और सुंदर सुंदर चौड़े बाजारों से भरी हुई थी। सभी प्रकार के यंत्र वहां पर थे और तरह तरह के कला विशारद शिल्पी भी वहीं वास करते थे। सुतमागध संबाधाम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाटाल ध्वजवतीं शतघ्नि शत संकुलाम वधू नाटक संघैश्च संयुक्ताम सर्वतः पुरीम उद्यानाम ब्रवनोपेताम महतिम सालमेखलाम। उसी में सूत मागध और वंदी जन भी रहते थे। वो नगरी इतनी शोभायमान और देदीप्यमान थी कि उसमें ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान भी उसे शोभा देते थे जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही होती थी। पर कोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। वो नगरी स्त्रियों की नाट्य समितियों से भरी हुई थी। उद्यान और आम के वन नगरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे।
नगरी के चारों ओर शाखों के लंबे लंबे पेड़ थे। दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गा मन्यैर् दुरासदाम वाजिवारण संपूर्णाम गोभीरुष्टैः खरैस्तथाः चित्रामष्टपदाकाराम वरनारी गणायुताम सर्वरत्न समाकीर्णाम विमान ग्रह शोभिताम। नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से भरी हुई थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी घोड़े बैल ऊंट और खच्चर जगह जगह पर दिखाई पड़ते थे। बड़ी ही विचित्र थी उसकी शोभा। राजभवन का रंग सुनहरा था। नगरी में सुंदर स्वरूपवती स्त्रियां रहती थी। रत्नों के वहां पर तो मानो ढेर लगे रहते थे। वहां 7 मंजिल वाले मकान सब जगह दिखाई देते थे। दुंदुभिर् मृदंगैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितां भृशमयत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमां तस्यां पूर्यां अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रहः दशरथो महातेजः वसं जगत् पालयत्। वो नगरी नगाड़े मृदंग वीणा और पणव आदि बाजों की ध्वनि से सदा ही गुंजायमान हुआ करती थी। धरती पर उसकी टक्कर की कोई दूसरी नगरी थी ही नहीं। उस अयोध्या नगरी में वेदों के अर्थ को जानने वाले और सभी वस्तुओं का संग्रह करने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ जी प्रजा का पालन करते थे। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मात्मानो बहुशुताः नरास्तुष्टा धनहि स्वहि स्वैर्लुब्धः सत्यवादिनः नाल्पसन्निचयः कश्चिद् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्य सिद्धार्थो गवाश्वद्धन धान्यवान। उस पुरी में सारे मनुष्य प्रसन्न धर्मात्मा बहुश्रुत और अपने अपने धन से संतुष्ट निर्लोभ और सत्यवादी थे। ऐसा कोई पुरुष ही ना था उस नगर में जो थोड़े संग्रह वाला हो। सारे गृहस्थी धन धान्य गाय बैल और घोड़ों से लदे हुए थे। कामी वान कदरियो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यम अयोध्यायां ना विद्वन्न च नास्तिकः सर्वे नराश्च नार्याश्च धर्मशीलः सुसंयतः मुदितः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलः। अयोध्यापुरी में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो कामी हो कंजूस हो निर्दयी हो मूर्ख या नास्तिक हो। अयोध्या में रहने वाले सारे स्त्री और पुरुष धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। सारे जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों की तरह निर्मल थे। न कुंडली न मुकुटी न स्रग्वी नाल्प भोगवान न मृष्टो न लिप्तांगो न सुगंधश्च विद्यते न मृष्ट भोजी न दाता नाप्यनंग दनिष्कधृक् न हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था अयोध्या में जिसके कानों में कुंडल ना हो सिर पर मुकुट ना हो और गले में माला ना हो। कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था। कोई ऐसा था ही नहीं जो तैल फुलेल चंदन न लगाता हो। यानी ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं था जिसके शरीर से अस्वच्छता के कारण बदबू निकलती हो। वहां पर कोई अशुद्ध अन्न को भोग करने वाला भी नहीं था। कोई भी दान न देने वाला नहीं था। कोई भी अजितेंद्रिय नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जो बाजू बंद और हाथों में सोने के कड़े न पहनता हो। नाना हिताग्नि नार्यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः
कश्चिदासीद अयोध्यायां न चावृत्तो न संकरः स्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियः दानाध्ययन शीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो यज्ञ न करता हो, जो नीच स्वभाव का हो या चोर हो या वर्ण संकर हो, ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं था। अयोध्या के वासी ब्राह्मण अपने नित्य कामों में तत्पर, जितेंद्रिय, दानी और अत्यंत अध्ययनशील थे, यानी वे दान लेने में भी हिचकते थे। नास्तिको नान्द्रिति वापि न कश्चिद् बहुश्रुतः न सूयको न चाशक्तो न विद्वान् विद्यते क्वचित् न षडङ्गविद् त्रास्ति न व्रतो न सहस्रदः न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। कोई भी व्यक्ति वहां पर नास्तिक, असत्यवादी, अल्पश्रुत, पर निंदा प्रिय, असमर्थ और अशिक्षित नहीं था। उस नगर में वेद के छहों अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, पागल या दुखी कोई भी नहीं था। दीर्घायुषो नरः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः सहिताः पुत्र पौत्रेश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद् वैश्यः क्षत्रमनुव्रतः शूद्रः स्वकर्म निरतास्त्रिन् वर्णानुपचारिणः। सारे लोग दीर्घायु, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे। वहां के क्षत्रिय गण जैसे ब्राह्मण कहते वैसे उनकी आज्ञा के अनुकूल चलने वाले, वैश्य क्षत्रियों के अनुवर्ती और शूद्र अपने धर्म में लगे हुए तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे। तस्यामात्या गुणैरासन्निक्ष्वाकोः सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्चेंगिताज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल सारे गुणों से संपन्न था, विचारों में निपुण, इशारों पर काम करने वाला और महाराज की हर पल भलाई चाहने वाला था। अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः धृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमूर्धवित्। उनके मंत्रिमंडल में 8 अमात्य थे। वे सारे के सारे अत्यंत यशस्वी, ईमानदार और सदा राजकार्य में निरत रहने वाले थे। और उन 8 मंत्रियों के नाम थे धृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यात्ताम्रशि सत्तमौ वसिष्ठौ वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथा परे विद्याविनीता हृम्मन्तः कुशला नियतेन्द्रियः श्रीमन्तश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा दृढ़विक्रमः। इसके अलावा ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 प्रधान ऋत्विज तथा कुछ और ऋषि भी मंत्री के रूप में थे। ये सारे मंत्री विद्या विनय संपन्न थे, लज्जाशील थे, कार्य कुशल, जितेंद्रिय, लक्ष्मी से संपन्न, महात्मा और शास्त्र के जानने वाले। इससे भी बड़ी बात कि बड़े पराक्रमी थे। तेजः क्षमा यशः प्राप्ताः स्मित पूर्वा भी भाषिणः क्रोधात् कामार्थ हेतुर्वा न ब्रूयूरनृतं वचः तेषां विदितं किञ्चित्
स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारिणापि चिकीर्षितं। वे बड़े तेजस्वी, क्षमाशील, यशस्वी, हंसकर बोलने वाले थे। वे काम, क्रोध, लोभ के वश होकर भी कभी भी झूठ न बोलने वाले थे। उन मंत्रियों के लिए अपने राज्य में या फिर दूसरे राज्य में कोई भी किया गया या किया जाने वाला काम अविदित नहीं था, क्योंकि वे चरों के द्वारा सारी खबर जानते रहते थे। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षितः प्राप्त कालम यथा दंडम धारयेयुः सुतेष्वपि इद्रशैस्तैर्मत्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद् वसुंधराम। सब के सब व्यवहार में कुशल और अपने विभागों की पूरी जानकारी रखने वाले और अन्याय करने पर अपने पुत्रों को भी दंड देने में न हिचकने वाले थे। ऐसे गुणी अमात्यों से युक्त और पाप से रहित महाराज दशरथ ने इस धरती का पालन किया। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासिद्वंशकरः सुतः चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासिन्महात्मनः सुतार्थं वै पुत्रयागेन किमर्थं न यजाम्यहम्। इतने प्रभावशाली, धर्मज्ञ, महात्मा और पुत्र के लिए पीड़ित महाराज दशरथ के वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। पुत्र उत्पत्ति का उपाय सोचते हुए उन्हें एक दिन ख्याल आया कि क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करूं। अमात्यांश्चाब्रवीद् राजा निश्चितां तु कृत्वा मतिं सर्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयतां नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसः। यज्ञ करने का निश्चय किया और दशरथ जी ने मंत्रियों को सरयू के किनारे पर यज्ञ भूमि ठीक करने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा, ध्यान रखना कि यज्ञ की विधि पूरी करने में न तो कोई अपराध हो और न ही किसी को कष्ट दिया जाए, क्योंकि ऐसे यज्ञों में ब्राह्मण रूप में राक्षस विघ्न को खोज ही लेते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते अवज्ञया न दातव्यं कस्य चिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्याद् दातारं नात्र संशयः। और बिना विधि के यज्ञ करने वाला शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा उपाय कीजिए जिससे ये यज्ञ विधि पूर्वक पूरा हो सके। और ये देखना कि किसी को हंसी मजाक में भी अनादर से कोई वस्तु मत दे देना, क्योंकि यदि तुमने अनादर किया तो देने वाले दाता का नाश हो जाएगा। इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् सम उपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः ततः स गत्वा तः पत्निर् नरेन्द्रो हृदय प्रियः उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येहं सुतकारणात्। ऐसा बोलकर और वहां खड़े मंत्रियों को विदा करके नृपश्रेष्ठ महाबुद्धिमान महाराज दशरथ रनिवास में चले गए। वहां जाकर के राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ ने अपनी प्राण प्रिया पत्नियों से कहा, मैं पुत्र की उत्पत्ति के लिए यज्ञ करना चाहता हूं, तुम लोग भी यज्ञ की दीक्षा लो। तासाम तेनातिकांतेन
वचनेन सुवर्चसां मुख पद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये। एतत् श्रुत्वा रहसूतो राजानम् इदमब्रवीत्। ऋष्यशृङ्गस्तु तेजस्वी पुत्रांस्तव विधास्यति। जब उन्होंने महाराज के मुख से सुखदाई संवाद को सुना तो रानियों के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत के काल में कमल पुष्प शोभा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ की बात सुनकर के सुमंत्र ने एकांत में महाराज दशरथ जी से कहा कि तेजस्वी ऋष्यशृंग आपको अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। सत्वं पुरुष शार्दूल तमानय सुसत्कृतं स्वयमेव महाराज गत्वा सबल वाहनः। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो भवत् शान्तः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः। हे पुरुषों में सिंह, आप सेना और वाहनों के साथ स्वयं जाएं और उन्हें आदर पूर्वक यहां लेकर के आएं। सुमंत्र की बात सुनकर महाराज दशरथ बड़े खुश हुए और रानियों और मंत्रियों के साथ उस जगह गए जहां ऋष्यशृंग रहते थे। आसाद्यतम द्विज श्रेष्ठम रोम पाद समीपगम ऋषिपुत्रं ददर्शाथो दीप्यमानमिवानलं। ततो राजा यथा न्यायं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वा तस्य वैराग्यः प्रहृष्टे नान्तरात्मना। जब वे वहां पहुंचे तो दशरथ जी ने अग्नि की तरह तेजस्वी द्विजों में श्रेष्ठ ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को रोमपाद के पास बैठे देखा। रोमपाद मित्र धर्म से प्रेरित हो गया और प्रसन्नता के साथ उठकर महाराज दशरथ का विधि पूर्वक आदर और सत्कार किया। रोमपादेन चाख्यातम ऋषिपुत्राय धीमते सख्यम संबंधकम चैव तदां तं प्रत्यपूजयत। एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः सप्ताष्ट दिवसान राजा राजानम् इदमब्रवीत्। बुद्धिमान श्रृंग से रोमपाद ने दशरथ जी के साथ अपनी मित्रता का वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर ऋष्यशृंग भी दशरथ जी की प्रशंसा करने लगे। इस तरह सम्मान पूर्वक 7-8 दिन वहां पर दशरथ जी रहे और फिर रोमपाद से बोले, शांता तव सुता राजन सहभर्त्रा विशांपते मदीयं नगरं यातु कार्यं ही महद्युतं तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छत्वं सहभार्यया। हे राजन, आपकी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरी नगरी में चले क्योंकि मैं एक बहुत बड़े कार्य को करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जब रोमपाद ने यह सुना तो वे बोले, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने ऋष्यशृंग से कहा कि आप अपनी पत्नी के साथ महाराज के साथ जाइए। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया। ततः सुहृद मापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनः कृतकृत तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। ये सुनकर ऋष्यशृंग जाने को तैयार हो गए और राजा रोमपाद की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ लिया और दशरथ जी के साथ चल पड़े। तब महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विदा लेकर के प्रस्थानित हुए। मुनिवर श्रृंग के आगमन से दशरथ जी ने अपने आप को बहुत कृतज्ञ माना।
अन्तः पुराणि सर्वाणि शान्तं दृष्ट्वा तथा गतं सह भर्त्रा विशालाक्षिं प्रीत्यानन्दमुपागमन् पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कञ्चित् कालं सह द्विजः। जब अंतःपुरवासिनी सारी रानियों ने ऋषि प्रवर के साथ उनकी पत्नी विशालाक्षी शांता को आई हुई देखा तो बड़ी आनंदित हुई। रानियों के द्वारा और विशेष करके महाराज दशरथ जी के द्वारा सम्मानित होकर शांता अपने पति ऋष्यशृंग के साथ रानियों के महल में कुछ दिनों तक सुखपूर्वक रही। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोभवत् ततो ब्रवीदृष्यङ्गं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं त्वं तु कर्तुमर्हसि सुव्रत। इस तरह कुछ समय जब बीत गया और जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ तो महाराज को यज्ञ करने की इच्छा हुई। यज्ञ का निश्चय किया और फिर ऋष्यशृंग से बोले, हे सुव्रत, अब आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए कुछ उपाय कीजिए। मेधावी तु ततो ध्यात्वा सकिंचिदिदमुत्तरम् लब्ध संज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत् इष्टिं तेहं करिष्यामि पुत्रियां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैर् मंत्रैः सिद्धं विधानतः। ऋष्यशृंग जो कि मेधावी एवं वेदज्ञ थे कुछ समय विचार करने लगे, फिर स्वस्थ चित्त होकर महाराज से बोले, हे राजन, मैं आपके लिए अथर्व वेद में कहे हुए कुछ मंत्रों के द्वारा विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा। इसके विधि पूर्वक संपादन होने से आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। ततः प्राक्रम देष्टिं ताम पुत्रियां पुत्र कारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मंत्रदृष्टेन कर्मणा अथ वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभां तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदां दिव्यपायससम्पूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां समवेक्षा ब्रवीदिदं। उसके बाद तेजस्वी ऋषि ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया और विधिवत मंत्र पढ़कर आहुतियां देना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर के बाद महाराज दशरथ के आह्वनीय अग्निकुंड से अतुल प्रभा युक्त और सोने से निर्मित और चांदी के पात्र से ढके दिव्य खीर से पूरे पात्र को प्यारी पत्नी के समान दोनों हाथों में लिए हुए ऋष्यशृंग ने महाराज दशरथ की ओर देखा और बोला, इदं तु नृप शार्दूल पायसं देव निर्मितं प्रजाकरं गृहाणत्वं धन्यमारोग्यवर्धनं भार्याणामनुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। हे नरशार्दूल, ये जो खीर है इसे विद्वानों ने यज्ञ की अग्नि में निर्मित की है। ये पुत्रोत्पादक प्रशस्त और आरोग्य वर्धक है, कृपया करके इसे आप लीजिए। इसे आप अपनी पत्नियों को खिलाइए और इसके प्रभाव से आपको पुत्रों की अवश्य प्राप्ति होगी। जिसके लिए आपने ये यज्ञ किया है वो आपका मनोरथ पूरा होगा। तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यतां
पात्रिम देवान् संपूर्णां देवदत्तं हिरण्यमयीं सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रति गृहिणीष्व पुत्रियं त्विदमात्मनः। बहुत अच्छा, ऐसा बोलकर और प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने विद्वानों के द्वारा जो निर्मित और प्रदत्त खीर से भरे स्वर्ण पात्र को सिर झुकाया और ग्रहण किया। उसके बाद महाराज दशरथ रानियों के महल में जाकर कौशल्या जी से बोले, लो ये खीर खाओ, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कौशल्या यै नरपति ही पायसार्धं ददौ तदा अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमं अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्। ऐसा कहकर दशरथ जी ने आधी खीर कौसल्या को दी और आधी की आधी अर्थात जो चौथा भाग था वो उन्होंने सुमित्रा को दिया। फिर पुत्र उत्पत्ति के लिए जो पहली आधी खीर बची थी वो उन्होंने कैकेयी को दी। फिर कुछ सोचा और महामती दशरथ ने कैकेयी को दी खीर का चौथा भाग फिर से सुमित्रा को दे दिया। इस तरह राजा ने वो खीर रानियों को अलग अलग बांट दी। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वः प्रहर्षोदितचेतसः ततस्तुतः प्राश्यतमुत्तमस्त्रियो महीपतेरुत्तमपायसं पृथक् हुताशनादित्य समान तेजसो चिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। महाराज दशरथ की वे सुंदर स्त्रियां जब उस खीर को खाई तो बड़ी खुश हुई और उन्होंने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना। फिर तीनों उत्तम अंगनाओं ने महाराज के द्वारा अलग अलग प्रदत्त खीर को खाकर अग्नि और सूर्य की तरह तेज वाले गर्भों को धारण किया। निर्वृत्ते तु कृतौ तस्मिन् राज्ञा वै पृथ्वीश्वरः यथार्हं पूजितास्तेन मुदितः प्रययुर्देशान् शान्तया प्रययौ सार्धं ऋषयशृङ्गः सुपूजितः अनुगम्यमानुराज्ञा च सानुयात्रेण धीमता। जैसे ही यज्ञ खत्म हुआ तो बाहर से आए राजा लोग दशरथ जी के द्वारा सत्कृत हुए और अपने अपने देशों को वापस लौट गए। अपनी पत्नी शांता के साथ ऋष्यशृंग भी महाराज जी से विदा लेकर के अपने स्थान को चल दिए। दशरथ जी उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ साथ गए। एवं विसृज्यतान् सर्वान् प्रविवेश पुरीं श्रीमान् उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन् ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमीके तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पञ्चसु गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विन्दुना सह कौसल्या जनयद्रामं दिव्यलक्षण संयुतं। इस तरह दशरथ जी ने यज्ञ में आए हुए सारे महानुभावों को विदा किया और अपने नगर में प्रवेश किया। संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां पर वे सुख पूर्वक रहने लगे। यज्ञ समाप्त होने के बाद 6 ऋतुएं व्यतीत हो गईं।
पर 12वें मास में चैत्र की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में, जबकि 5 ग्रह अर्थात सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनिश्चर अपने अपने उच्च स्थान में स्थित थे, कर्क लग्न में तथा चंद्रमा के साथ बृहस्पति के उदय होने पर कौसल्या जी के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। भरतो नाम कैकेय्यं जज्ञे सत्य पराक्रमः, अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत्सुतौ। पुष्ये जातस्तो भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधी, सार्पे जातौ च सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवौ। सत्य पराक्रमी भरत कैकेयी के गर्भ से पैदा हुए और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। भरत जी का जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ। आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में सूर्योदय होने पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। जगुः कलं च गंधर्वा नन्द्रतुश्चाप्सरो गणः, देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत्। उत्सवश्च महानासीदयोध्यायं जनाकुलः, रथ्याश्च जनसंवाधा नटनर्तक संकुलः, गायनश्च वीराविण्यो वादकैश्च तथा परहि। इनके जन्म के अवसर पर सामगान कर्ताओं ने मधुर गान किया, अप्सराएं नाचने लगी, उत्तम जाति के नगाड़े बजाए जाने लगे और ऊपर से फूलों की वर्षा की गई। अयोध्या में उस समय एक उत्सव मनाया गया जिसमें स्त्री और पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ थी। रास्तों में स्त्री पुरुष भरपूर भरे हुए थे। प्रदेयांश्च ददौ राजा सूत मागधवंदिनां, ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः। अतिथ्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्, ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयी सुतं। महाराज दशरथ ने इस उत्सव में सूत, मागध और बंदीगणों को पारितोषिक दिए, ब्राह्मणों को धन और हजारों गायें प्रदान की। जब 11 दिन बीत गए तो चारों बालकों का नामकरण संस्कार किया गया। कौसल्या के पुत्र का नाम रखा गया राम और कैकेयी के पुत्र का नाम रखा गया भरत। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरम तथा, वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। ब्राह्मणा भोजयामास पौरजान पदानपि, अददद् ब्राह्मणानां च रत्नौघममितं बहु। सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया और ये नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ जी ने किया। उस दिन महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों और अयोध्यापुर वासियों को भोजन करवाया, ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न दिए। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्व कर्माण्यकारयत्, सर्वे वेद विदः शूरः सर्वे लोकहिते रताः, सर्वे ज्ञानोपसंपन्नः सर्वे समुदिता गुणः। सारे बालकों के निष्क्रमण, अन्न प्राशन इत्यादि संस्कार भी महाराज ने यथा समय करवाए। चारों ही राजकुमार वेदों के जानने वाले, शूरवीर, परोपकारी, ज्ञानी और सारे गुणों से संपन्न थे। तेषामपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः, इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः। बाल्यात् प्रभुति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः,
रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः। उनमें भी महातेजस्वी और सत्य पराक्रमी श्री राम निर्मल चंद्रमा की तरह सबको प्यारे थे। बालपन से ही लक्ष्मण जी, जो कि शोभा को बढ़ाने वाले थे, वे लोकहितैषी श्री राम के अति प्रिय थे। सर्वप्रिय करस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति नहितं विना। कांति से संपन्न लक्ष्मण जी श्री राम जी को अपने शरीर से भी ज्यादा मानते थे। वे राम के बहिर्गत दूसरे प्राण ही थे और राम जी को भी लक्ष्मण के बिना नींद नहीं आती थी, और लक्ष्मण को दिए बिना कभी भी कोई मीठी वस्तु वे नहीं खाते थे। यदा हि हय मारूढ़ो मृगयां याति राघवः तदैवं पृष्ठतोभ्येति सधनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणं वरजो हि सः प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः। जब राम घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जाते तो लक्ष्मण भी धनुष हाथ में लेकर उनके पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार शत्रुघ्न भरत को और भरत शत्रुघ्न को प्राणों से भी अधिक प्रिय था। ते यदा ज्ञान संपन्नः सर्वे समुदिता गुणैः रिमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावानां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा ते चापि मनुज व्याघ्र वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषण रता धनुर्वेदे च निष्ठिताः। जब वे चारों राजकुमार ज्ञान से संपन्न हुए, सारे गुणों से युक्त हुए, लज्जाशील, कीर्तिमान, सर्व विषयों में निष्णात और दीर्घदर्शी हुए, तब उनके प्रभाव और तेज को दशरथ जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, जैसे ब्रह्मा जी लोकपालों को देख करके होते हैं। वे नरों में सिंह भी वेद अध्ययन में रत, पितृ की सेवा में तत्पर और धनुर्विद्या में बहुत प्रवीण हो गए।